जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योन्मोक्षी मामृतात् ॐ स्वः भुवः भू ॐ सः जूं हौं ॐ। प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शिव की जय। शिव त्रिलोचन शिव त्रिपुरारी शिव से ही सृष्टि यह सारी शिव मृत्युंजय शिव महाकाल हर संकट को देते हैं नार शिव सर्वेश शिव श्रृंगार शिव ही है जग का आधार जो भी जपते शिव का नाम मिटते उसके कष्ट तमाम शिव भोले हैं औघड़दार शिव परमेश परम कल्याणी नमः शिवा जो करते जा कटते हैं उसके दुख संताप शिव कैलाश करते वास काशी भी इनका एक निवास आओ शिव में ध्यान लगाए यश वैभव सम्मान को पाए। भक्तों, भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वेदों में इन्हें रुद्र नाम से वर्णित किया गया है। शिव व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी आदि शक्ति माता पार्वती हैं और इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं। शिव योगी के रूप में माने जाते हैं और उनकी पूजा लिंग के रूप में होती है। भगवान शिव सौम्य एवं रौद्र रूप दोनों के लिए जाने जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे उनका लय और प्रलय दोनों पर समान अधिकार है। भक्तों, सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर ओंकारेश्वर केदारेश्वर भीम शंकर विश्वेश्वर त्र्यंबकम वैद्यनाथ नागेश रामेश्वर तथा घुष्मेश्वर ये प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनके माध्यम से शिव जग का कल्याण करते हैं। भगवान शिव के मंत्र उपासना में पंचाक्षर नमः शिवाय तथा महामृत्युंजय विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शिव भक्त रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्त्रोत्र के अतिरिक्त भगवान शिव की पार्थिव पूजा का भी विशेष महत्व है। प्रेम से बोलिए भक्त, भगवान शिव की जय। शिव है रुद्र शिव अंतर्यामी शिव ही है सृष्टि के स्वामी जो भी शिव का ध्यान लगाता सुख वैभव परम पद पाता 12 शिवलिंग जग में प्रधान जिनसे करते हैं शिव कल्याण काल भी उसके पास ना आता जो शिवलिंग का ध्यान लगाता शिव नंदी की करते सवारी शिव का नाम है मंगलकारी जो भी जपता शिव पंचाक्षर उसका मंगल हरते ईश्वर आओ शिव की महिमा गाए कुछ पावन शिव कथा सुनाए सुनना इसको ध्यान लगाकर हे डमरूधर सब पे कृपा कर। भक्तों, यद्यपि भगवान शिव सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि काशी और कैलाश ये दो इनके मुख्य निवास स्थान कहे गए हैं। भगवान शिव देवताओं के उपास्य तो हैं ही, साथ ही उन्होंने अनेक असुरों अंधक दुंदुभि महिष त्रिपुर रावण निवात कवच आदि को भी अतुल ऐश्वर्य प्रदान किया। कुबेर आदि लोकपालों को उनकी कृपा से यक्षों का स्वामित्व प्राप्त हुआ। सभी देवगणों तथा ऋषि मुनियों को दुखी देखकर उन्होंने कालकूट विष का पान किया, इसी से वे नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार भगवान शिव की महिमा और नाम अनंत है। ग्रंथ और पुराणों के अनुसार भगवान शिव ही समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त सृष्टि का उद्भव होता है। प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शिव की जय। शिव की महिमा परम्पार शिव करते श्री जन संहार
शिव ही है वेदों का सार, नमन है शिव को बारंबार, शिव ही ओम है शिव ओंकार, आदि देव शिव योग का द्वार, देव दानव दोनों करते पूजा, शिव से बड़ा ना कोई दूजा, शिव का नाम है सबसे पावन, शिव के भक्त है राम व रावण, सब पर शिव की दृष्टि समान, परम पिता शिव करो कल्याण, शिव से ही निकले वेद पुराण, शिव ने किया था विश्व का पार, नीलकंठ कहलाए शिव जी, हर विपदा से बचाए शिव जी। भक्तों, प्रलय काल के पश्चात सृष्टि के आरंभ में भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी अपने कारण का पता लगाने के लिए कमल नाल के सहारे नीचे उतरे। वहां उन्होंने शेष शायी भगवान नारायण को योग निद्रा में लीन देखा। उन्होंने भगवान नारायण को जगाकर पूछा, आप कौन हैं? नारायण ने कहा कि मैं लोकों का उत्पत्ति स्थल और लय स्थल पुरुषोत्तम हूँ। ब्रह्मा ने कहा, किंतु सृष्टि की रचना करने वाला तो मैं हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने शरीर में व्याप्त संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, इसका तात्पर्य है कि इस संसार के सृष्टा मैं और आप दोनों हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी आप भ्रम में हैं। सबके परम कारण परमेश्वर ईशान भगवान शिव को आप नहीं देख रहे हैं। आप अपनी योग दृष्टि से उन्हें देखने का प्रयत्न कीजिए। हम सबके आदि कारण भगवान सदा शिव आपको दिखाई देंगे। भक्तों, जब ब्रह्मा जी ने योग दृष्टि से देखा तो उन्हें त्रिशूल धारण किए परम तेजस्वी नील वर्ण की एक मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने नारायण से पूछा, ये कौन है? नारायण ने बताया, यही देवाधिदेव भगवान महादेव है। यही सबको उत्पन्न करने के उपरांत सबका भरण पोषण करते हैं और अंत में सब इन्हीं में लीन हो जाते हैं। इनका न कोई आदि है न अंत, यही संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की कृपा से सदा शिव का दर्शन किया। प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शिव की जय। शिव करते त्रिशूल को धारण, शिव ही है सृष्टि का कारण, शिव से निकले ब्रह्मा विष्णु, महादेव शिव परम सहिष्णु, नित्य गान के शिव है दाता, योग नाद के शिव है ज्ञाता, शिव से ही पोषित जग सारा, जट से निकलती गंग की धारा, शिव आदि है शिव है अनादि, शिव ही हरते विपदा व्याधि, शिव ही करते मोक्ष प्रदान, हे शिव शंभु तुम्हें प्रणाम, शिव अव्यक्त है शिव निराकार, शिव से पुष्पित यह संसार, शिव जटाधारे शिव नटराज, सोम है शिव के सहकार ताज। भक्तों, एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक की प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं? उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शिव की जय। पार्वती ने शिव से पूछा, हे स्वामी वह कौन सा पूजन जिससे मृत्यु लोक के प्राणी कर सकते हैं आपका दर्शन? शिव ने फिर एक कथा सुनाया, माता को व्रत का विधान बताया। था एक गांव में एक शिकारी, उस पर ऋण चढ़ा था भारी। जब वह ऋण को ना दे
साहूकार ने बंदी बनाया, पास के शिव मठ में उसे रख कर चला गया फिर अपने घर पर। शिवरात्रि का था वह दिन, शिकारी हुआ भक्ति मेले, ऋण लौटाने का दिया वचन, तब साहूकार ने खोला बंधन। भक्तों, अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समय पाने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शिव की जय। चित्र भानु गया करने शिकार, जहाँ जंतु करते थे विहार, बेल वृक्ष पे पड़ाव बनाया, नीचे शिवलिंग नजर आया। गर्भिणी मृगी को जो देखा उसने है प्रत्यंचा चढ़ाई, अजन्मे का करो न हत्या, शिकारी को तब दया है आई। उसने मृगी को जान दिया, फिर दूजे मृगी पतानी है ते, कामातुर हो मुझे न मारो, हे पारधी कुछ तो विचारो। उसे भी उसने जान दिया है, करने लगा उनका इंतजार, नीचे फेंका जो तोड़ के बेल, हो गई उसकी पूजा सिखार। भक्तों, दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ, मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शिव की जय। दो दो बार शिकार को खोकर देखने लगा वो आतुर होकर, तभी एक मृगी नजर है आई, उस पर उसने प्रत्यंचा चढ़ाई। मृगी ने कहा, मुझको न मार, बच्चों के पिता का है इंतजार, जाती हूँ उनके हवाले करने, तब आ जाऊंगी मैं मरने। हे मृगी, अब मरना पड़ेगा, वरना मेरा घर कैसे चलेगा। पर मृग की दिनता सुनकर जान दिया उसको अपने
बाजार में वह ना सोया, होनी चाहे वही है होता, बेमतलब इंसान है रोता। भक्तों, पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनित स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तभी मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृत परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शिव की जय। हो गई सुबह पर वो नाए, सोचा शिकारी किया क्या जाए, तभी एक मृग नजर है आया, मारने का उसे मन है बनाया। मृग ने कहा, हे पारधी सुन लो, बच्चे पत्नी कर रहे इंतजार, आ जाऊंगा मैं मरने को, उससे मिलने दो एक बार। उसको भी उसने जाने दिया है, मृग मेगी पे भरोसा किया है, कुछ पल बाद सभी है आए, सोचा किस पर तीर चलाए, हृदय हुआ परिवर्तित उसका, जाने दिया है सबको घर, कठोर को भी कर देते को। वैसे है भोले शिव परमेश्वर। भक्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और इस व्रत कथा का पाठ या श्रवण करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता पार्वती और शिव की पूजा उपासना करने वाले भक्तों पर भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं। वैसे तो भोले शंकर की पूजा करने के लिए हर दिन शुभ होता है, लेकिन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का अलग ही महत्व होता है। इस दिन भगवान भोले शंकर की पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस दिन को शिव भक्त बेहद खास मानते हैं। भोलेनाथ के भक्त इस दिन को श्रद्धा भाव और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन भक्त अपने आराध्य देव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर जरूर जाते हैं। प्रेम से बोलिए आदि देव महादेव भगवान शिव की जय।
ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराय शिव गंगा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर
हर भोले नमः शिवाय। शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः।
सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिव शिव गंगा धराय हर हर भोले नमः शिव गंगा धराय शिव गंगा धराय हर हर भोले नमः शिव शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिव कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिव शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिव शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय। की पावन धारा धो देती हर कष्ट
की करुणा होती वह कंकड़ बन जाती मोती। शिव संतान प्रेम की छोड़ो, शिव के चरण कभी ना छोड़ो। शिव जन की नस नस जाने, बुरा भला वह सब पहचाने। अजर अमर है शिव अविनाशी, शिव पूजन किया कटि चौरासी। यहाँ वहाँ शिव सर्व व्यापक, शिव की दया के बहिए आचर। सच्ची निष्ठा होनी न देगा शिव को रोष्टा। शिव है श्रद्धा के ही भूखे, भोग लगे चाहे रूखे सूखे। भावन शिव को बस में करती, प्रीति से ही तो प्रीत है बढ़ती। शिव कहते हैं मन से जागो, प्रेम करो अभिमान त्यागो। रहिए सुख दुख शिव के ही है अधीन। भस्म रमैया पार्वती वल्लभ, शिव फलदायक शिव है दुर्लभ। महाकौतुकी है शिव शंकर, त्रिशूल धारी शिव अभियंकर। शिव की रचना धरती अंबर, देवों के स्वामी शिव है दिगंबर। शिव रुंदन पोषित होने न देते धर्म को दोषित। दुर्गापति शिव गिरिराज देते हैं सुखों की प्रभाव। सृष्टि करता त्रिपुर धारी, शिव की महिमा कहीं न जाती। दिव्य तेज के रवि है शंकर, पूजे हम सब तभी है शंकर। शंकर विषधारी गज पालक शंकर, महासती के पति है शंकर। दीन सखा शुभ पति है शंकर। वैजनाथ भगवान की पूजा करो धर ध्यान, सफल तुम्हारे काज हो मुश्किल जो पर जा।
पचामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्युमुक्षीमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्युमुक्षीमामृता सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि
गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि Oh.
Good.